सो हेलो भाई, स्वागत है हमारे सुप्रीम खिलाड़ी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं मॉन्स्टर 2022 कार पैक। तो मॉन्स्टर 2022 कार पैक इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल दूँगा। ये देखिए, ये रहा 4.6 GB की ये फ़ाइल है टोटल। इसके अंदर 82 कार पैक होंगी, जितनी भी कार्स हैं 82 आपको इसके अंदर कार देखने को मिलेगी सारी की सारी। और उसके बाद आपको कुछ स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी होंगी, जो कि हैं स्क्रिप्ट हुक वी, नेटिव ट्रेनर, ScriptHookVDotNet, मेन्यू, इनहेंस नेटिव ट्रेनर, गेमकॉन्फिग, एंड लास्ट में आपको OpenIV, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी मोड इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, इसको आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी सारी फाइल पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो जल्दी से हम सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट, कंटिन्यू। जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। सी ड्राइव एड्री 19 MB का है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा OpenIV इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपकी जो कार पैक है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो हमारी कार पैक जो है एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसको इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको OpenIV को ओपन करना होगा। GTA 5 सेलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ आपने अपने GTA 5 को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ उसका लोकेशन आप इसको ट्रेस कर लीजिए। मैंने अपने GTA 5 E ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं क्रैक्ड वर्जन को यूज़ कर रहा हूं, आप जेन्युइन वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो कार पैक है दोनों वर्जन में सपोर्ट करेगा। मेरे पास जेन्युइन है, बट मोस्ट ऑफली लोग क्रैक में ही कार पैक को यूज़ करते हैं, तो डेट इज़ वाई मैं यहां पे क्रैक वर्जन का ही यूज़ करने वाला हूं। फाइनली हमारे सारे GTA 5 की जितनी भी फाइल्स है वो OpenIV के अंदर आ चुकी हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे ASI लोडर को इंस्टॉल करना होगा, GTA 5 ASI मैनेजर, इन सबको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से होगा ये, आपको ऐसे सबको इंस्टॉल करना है क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप। एंड देन उसके बाद आपको अपने मॉन्स्टर कार पैक पर जाना है। यहाँ पे लिखा रहा है मॉन्स्टर एड ऑन कार पैक OIV, इस पर क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है आपको सीधा यहाँ पे OpenIV के अंदर। एंड देन इंस्टॉल योर। मेक श्योर आप इसको मोड्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करें। अगर आपने मेन गेम में इंस्टॉल करा तो आपका जो भी GTA 5 है वो क्रैश भी हो सकता है। इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। इंस्टॉल होने में एटलीस्ट मतलब 15 से 20 मिनट्स लेगा, डिपेंड ऑन योर PC। तो हमारे कार पैक अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल सक्सेस दिखा रहा है। अगर आपकी कार पैक अगर बाई चांस अगर क्रैश होती है या कुछ भी होता है तो आप मैनुअल इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप सीधा अपना मोड फोल्डर को डिलीट कर दीजिए एंड देन इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल करने से पहले इस चीज़ को रीड कर लीजिए। जितनी भी कार पैक है, जितनी भी स्वैपन नेम है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा जब अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। चलिए, हमारा कार पैक इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपली हम अपने GTA 5 के मेन फोल्डर में जाते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपना स्क्रिप्ट हुक वी। स्टेप को बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिएगा। फिर अपना इसके यहाँ पे ट्रेनर को इंस्टॉल करेंगे, मेन्यू को। फिर इनहेंस ट्रेनर को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपका इनहेंस ट्रेनर इंस्टॉल हो जाए, इस पर आपको इनहेंस ट्रेनर पे क्लिक करना है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्फिग पे जाना है, ENT पे, और यहाँ पे जो की है F4 को आपको F3 कर देना है। उसके बाद सेव कर दीजिए। आपकी कार पे अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब अपने वापस आपको OpenIV के अंदर जाना है। देन उसके बाद जाना है मोड्स, अपडेट, डेटा, कॉमन डेटा। एंड आपको अपना फाइनली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको गेम कॉन्फिग को इंस्टॉल करना है, वरना आपका गेम बार बार क्रैश होता रहेगा, आपकी कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप अपना वर्जन देख लीजिए, आप कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको गेम कॉन्फिग को इंस्टॉल कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं आपका वर्जन कौन सा है। अपने GTA 5 में जाइए, जहाँ आपका लोगो बना देता है GTA 5 का, वहाँ है, वहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाना है आपको। एंड देन डिटेल, यहाँ पर लिखा है 1.021.890। आपको यही, आपको सेम मॉडल आपको ढूंढना है वर्जन। ये देखिए एज यू कैन सी 1.0.21198 जो भी है आपका ये नंबर है, इस तरीके से आपका होगा। इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद स्टॉक ट्रैफिक पे करना है। अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं तो आप कोई से भी ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहते, डिफ़ॉल्ट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स इट। अब आपका फाइनली जो भी है गेम अच्छे तरीके से कार पैक जो है इंस्टॉल हो गया गेम के अंदर। OpenIV को क्लोज़ कर देते हैं। अब फाइनली हम अपने गेम को रन कर लेते हैं। फाइनली हमारा गेम ओपन हो गया है। आई नो आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा लैग क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स डाले हुए हैं ऑलरेडी। जैसे ग्राफिक मोड होते हैं और रे ट्रेसिंग का भी मैंने इसके अंदर प्रीसेट डाले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा लोडिंग में आपको लैगिंग देखने को मिल रहा है। मैं इसको अभी सॉल्व कर देता हूँ। अभी लैग नहीं होगा। मैं इस वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर देता हूँ क्योंकि लोड स्क्रीन थोड़ा सा टाइम लेती है। सो फाइनली हम गेम के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं गेम अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। इस जो भी कार पैक है हमारी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गई है। मैंने यहाँ पे एक कार पैक को देखिए यहाँ पे स्वैपन करा हुआ है ऑलरेडी। आपको अपने अगर कार को स्वैपन करना है तो आपको प्रेस F8 दबाना है। मेन्यू का ट्रेनर को आपको ओपन करना है F8। देन जाना है आपको व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल स्वैपर, सुपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से कार अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब इसमें इस कार पैक के अंदर टोटल 82 कार पैक है। आप कोई सी भी कार पैक को ओपन करिए, एंजॉय कर सकते हैं पूरी तरीके से। मर्सिडीज़, BMW, लैम्बोर्गिनी एंड मोर, काफ़ी सारी कार हैं इसके अंदर। ये देखिए, Bugatti, yeah, that car make mama feel sexy. That is a sweet ass ride. Yeah, you know, a whole lot of gangster players, but not too many good men. F3 दवाइए अगर आपको नेटिव ट्रेनर का ग्राउंड करना है या वेदर वगैरह अगर चेंज करना है तो आप नेटिव ट्रेनर के लिए F3 का प्रेस कीजिए, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि चेंज कर देना आपको F4 से F3 में। अगर आप F4 अगर दबाते हैं तो इस तरीके का कुछ स्क्रिप्ट खुल जाता है आपका, ये देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अनोइंग लगता है। इसकी वजह से ही मैंने आपको F3 सेलेक्ट करने को बोला था। F3 अगर आप करेंगे तो आप सिंपली अपना नेटिव ट्रेनर को सिंपली खोल सकते हैं। एंड देन वेदर चेंज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। फिर से F8 दबाएंगे। आप देख सकते हैं कार पूरी तरीके से वर्क कर रही है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। मैं मिलता हूँ आपका अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टाटा।